जय जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ, सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वंत्र जामी सर्वकल्याण प्रद महाप्रभु, जगत्र नाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जी, प्रातस्मरणीय चीर वंदनीय जगत बंदन कौशल्यानंदन जानकी जीवन प्रजामन रंजन दशरथ प्रणधन कुशल किशोर रघुनंदन भगवान श्री राम, आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय भगवत स्वरूपिणी उद्भव स्थिति संहार करणी क्लेश हरिणी जगत जननी माँ श्री श्री जानकी ठाकुरानी, परम भक्त भैया भरत लाल शत्रुघ्न लाल लक्ष्मण लाल महाराज जी, परम राम कथा रसिक, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलिम बासुवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमंत राक्षसंतकम वीर बजरंग बली जिंकर श्रीचरण तले, अनंत कोटिवार भक्तिपुत प्रणति निवेदन करी मोर प्रातस्मरणीय चीर वंदनीय परम कारुणिक गुरुदेवंकर श्रीचरण तले भक्तिपुत प्रणति पूर्वक महाप्रभु श्री परमेश्वरंकर पवित्र मंदिर प्रांगण में प्रायोजित श्री राम कथामृत ज्ञान यज्ञर पंचम दिवस पवित्र संध्यारे समुपस्थित महामान्य अतिथि अधिकारी वृंद, डाक्टर श्रीयुक्त पंडा महोदय रवींद्र नारायण पंडा महोदय एवं श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ सामल महोदय एवं श्रीयुक्त विनय कुमार भुईया महोदय एवं पूर्णचंद्र साहू महोदय एवं मंचर संचालक डाक्टर श्रीयुक्त निरंजन साहू महोदय, से भी जन विशिष्ट बाग्मी वक्ता पंचसखा साहित्य उपरे बेस बहुत भल गवेषणा पूज्य महाशंकर रही। सर्वोपरि ये पवित्र आश्रय उपस्थित समस्त भक्त भाई माँ गुरुजन समस्त सभक्ति जय गुरु जय जगन्नाथ जय श्री राम। गोटे सुंदर कथा जी जिते डाक्टर बाबू कहते सुरेन्द्र सारे कहते राम नाम महिमा कहते आम निरंजन सारे सूचना कर दिले भी आम आगु चर्चा करे भी यही दुई महात्मा कर चर्चा शुणी मोर आउ गोटे दोहा मन पड़ा कौन राम नाम मणि दीप धरु तुलसी दे हरिद्वार, राम नाम मणि दीप धरु तुलसी दे हरिद्वार, भीतर बाहर चाहे सु चाहे जय जिया बोलश्वर रामचंद्र की। कड़े सुंदर कथा गोस्वामी कहते कहे राम नाम मणि दीप धरु जिह्वा देहरी द्वार। आम देह हूँ गोटे घर केन्दिया घर नुआ घर खंडी दिने पुराणा हेब आम सब भजन में शुणीचे ये घर सबुदे पुराणा हीका जाए घर द्वार देश हूँ किए जिह्वा देहरी द्वार पाठी ये पार्टी आम कौन करुचे ना भितर को छाड़ुचे बाहर को भी करुचे द्वार देश में जीवास समस्ते करती तुलसी भितर बाहर जो चाह से उजियार कहले आगे जितेबले तेलर अभाव थिला अभाव संसार रे समस्ते थिले डिबी तेल बिली किरोसिन की कही नुआ नुआ करी व्यवहार करुथिले पोलांग तेल जड़ा तेल राशि तेल पके दीप जलुथिले तेलर कंजप्शन कम होगापी एरुंडी बंध उपर दीप थुआ होता थोले कौन हम ना घर भितर को आलु हम घर बाहर को मध्य आलु हम तेल कंजप्शन कम हम एवं आम गोठदा मठे से ठाकुर घर एरुंडी बंधरे गोटे चकड़ा पूरा इंती कला पड़ी मानते से मटी टेढ़ाटा पूरा कला पड़ी कहीं कौ जुगर से दीप दिखाई आसूचे कौन एबे मध्य से परंपरा जिते इलेक्ट्रिक बत्ती आलु जल्दे कि परंपराटा जमी आम जगन्नाथ महाप्रभु जदि तर विजय प्रतिमा विजय करेंगे से खरा बेल हो कि दिन गोटे दिहुड़ी सेवक अच्छा दिहुड़ी सेवक सी धरीथे आगे चली थे जिते विजय प्रतिमा जी से निश्चिंत मशाल जमी आम कहचे से दिहुड़ी सेवक धरिक नहींक्र जाती तेणु आम पार्टी हूँ कौन ना शरीर रूपक घर द्वार देश जदि ये द्वार देश में राम नाम रूपक मणिद्वीप को थोद मणिद्वीप कौन जमी आम मणिनाग गुंफा आम गुरुदेव साधना पीठ तो मैंने से मानते दिशिल मारिक से दीप को लगे दरकार ना गोटे एमतीका पथर जे जो थोब कुंभ मेल जड़े सन्थ मत थे देखले
ସାମନ୍ତକ ମଣି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କୋଉ ମଣି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଇଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମଣି ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗମଣି ଏବଂ ମୁର୍ଘନାଭି କସ୍ତୁରୀ ହାତୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଗଜମୋତି ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ସୁନାର ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତ ମା ଭାଇ ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କରେଇଲେ। ସେ କରେଇବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେମିତି କିଆ, ଗଜମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ, ସେଇଠି ନେପାଳ ରାଜା ଦେଇଥିବା ବହୁ କାଳ କାଳ ଧରି ପଶୁପତିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଣିକରି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ମଣିନାଗ ଗିରି ମହିମା ଅପାର ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱାର ଥିବ, କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ମଣିନାଗ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମିଳିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପଦାର୍ଥଟି ତାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ମନକୁ ମନ ଚାରିପଟ ଯାକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେମିତି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛରିତ କରେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଥୋଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଡ଼ିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଗାଈଙ୍କ ବେକରେ ବଳଦଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ମଣି ଦୀପଟି ହେଉଛି ସେମିତିକିଆ। ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ମଣି ଦୀପ ଧରୁ, ରାମ ନାମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣି ଦୀପ, ତୁଳସୀ ଦେହରି ଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଜୀବ। ଏଇଠି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସେ ମଣି ଦୀପଟିକୁ ଥୋଇଥିବା ଆମ ବାହାର ପବିତ୍ର ହେବ, ଆଉ ଆମ ଭିତର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ନହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି।